ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोटा से कुछ दूरी पर झिराली के पास चोरों ने टायर की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर लगभग रात के समय 4 लाख के टायर ले उड़े। चोर दोनों दुकान के शटर के ताले तोड़कर अंदर घुसे और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हमीरपुर जिला के भोटा से कुछ दूरी पर झिराली के पास चोरों ने टायर की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर लगभग रात के समय 4 लाख के टायर ले उड़े। चोर दोनों दुकान के शटर के ताले तोड़कर अंदर घुसे और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकान के मालिक संजय जसवाल ने कहा कि दो युवक रात के समय गाड़ी के टायर लेने आए, टायर देखकर चले गए और उसके तुरंत बाद चोरी की घटना हो गई। संजय जसवाल का कहना है कि जब वे दुकान खोलने गए तो दोनों दुकानों के शटरों के ताले टूटे हुए थे। जब दुकानों के शटर खोले तो संजय जसवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान से टायर गायब थे। संजय जसवाल ने इसकी सूचना भोटा पुलिस कक्ष को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। कितने बजे आए बंदे के? 6:30 सर। पूरी गल मैं चला गया सर घर 6:10 बजे और मैं पहुंचा 6:30 बजे। तो मैं घर पहुंचे दो लड़कियों को फोन आ गया कि भैया टायर लेने हैं। अच्छा। फिर मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं आऊँगा आपको। फिर वो रिक्वेस्ट कुछ लगे करने नहीं दिया, आप आओ और हमने टायर लेने हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, उनको टायर टूट दिखाए। यही सर खोला था, वो वाला नहीं खोला, ये वाला खोला। अच्छा। यहाँ से दिखाया उनको टायर, फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं टायर लेने हैं। बंदे यहाँ के लग रहे हैं लोकल की या नहीं? लोकल है बंदे, मैं पहचानता हूँ दोनों को। एक के पास मिल के आए अभी विजड़ में और एक बोटा में करता है जाओ रोड की दुकान। अच्छा। हाँ जी, ये लोकल है? हाँ लोकल है। उनके बारे में शक है आपको? हाँ शक बिल्कुल जी। अच्छा। बुलाया भी और टायर मिल गया जी। अप्रोक्सीमेटली कितने का नुकसान है तुम्हारा? 4 लाख का। 4 लाख? हाँ जी। 4 लाख के टायर? हाँ जी। अच्छा, तो उन बंदे ने फिर टायर तोड़ने लिए? नहीं लिए सर, नहीं मना किया। नहीं लेने भी? हाँ जी। टायर तोड़े दुकान खुलवाई? हाँ जी। अच्छा, इस सेंटर लॉक लगे था? वहीं बड़सर क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी मौके पर पहुंचे और कहा कि भोटा के पास बढ़ रही चोरियों की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि पुलिस को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने को कहा जाएगा ताकि आए दिन बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। चोरियों का अभी आज सुबह ही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो हमारे संजय शर्मा जी, संजय ठाकुर जी हैं, इनकी दुकान में टायरों की चोरी हुई है। मैं मौके पर अभी पहुँचा यहाँ पर, देखा यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, अधिकारी भी आए हैं और वो तफ्तीश कर रहे हैं। और ये खासकर सर्दियों में कुछ ऐसा मौसम आता है कि उसमें चोरियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं। तो मेरा तो प्रशासन से और पुलिस विभाग से यही गुजारिश रहेगी कि वो गश्त बढ़ाएँ, नफरी बढ़ाएँ ताकि लोगों की जान माल से रक्षा की जाए। और जो अब चोर का तो कोई पता नहीं लगता कि कब उसने चोरी करने आना है, कहां से आना है, कैसे आना है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और चोरी की जो वारदातें हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें पुलिस विभाग को भी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करना पड़ेगा और मेरा SP महोदय से भी ये गुजारिश रहेगी कि भुट्टा चौकी में जो है नफरी बढ़ाई जाए ताकि यहाँ पे जो स्कैटर्ड एरिया है वहाँ पे पुलिस का जो है रात को यहाँ पे गश्त होनी चाहिए।